और खबरों में बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर जापानी बुखार कुमाऊं में अपना पांव पसारने लगा है। सुशीला तिवारी अस्पताल में जापानी बुखार से अब तक तकरीबन 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि अब तक 2 महिलाएं और 1 पुरुष की इस बुखार से मौत हो गई है। इनमें से 2 लोग उधम सिंह नगर और एक ऐसा काला ढूंढी का केस है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जापानी बुखार से पीड़ित एक महिला भर्ती है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। कुमाऊं में जापानी बुखार के लगातार बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है। मौसम के उतार चढ़ाव के चलते कई तरह के रोगी उपचार के लिए अस्पताल आ रहे हैं। किसी को मामूली बुखार है तो किसी को वायरल, टाइफाइड और डेंगू की शिकायतें मिली है। डॉक्टरों ने भी लोगों को टेस्ट करवाने की अपील की है, ताकि समय रहते उपचार मिल सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस मौसम में डेंगू के मरीज होते हैं, क्योंकि डेंगू का सीजन यही वाला मेनली होता है। कुछ मरीज बुखार के आए हैं, वो हैं, और इसमें कुछ मरीजों में एलाइजा से भी डेंगू की पुष्टि हुई है। आज की तारीख में 3 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, और इससे पहले कुछ डिस्चार्ज भी हुए, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी थे। कुछ डेंगू शॉक सिंड्रोम था, एक आध को डेंगू हेमरेजिक फीवर था, और एक दो कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सब ठीक हो गए, डिस्चार्ज होकर चले गए। तो अभी ऐसी कोई डेथ तो अभी डेंगू किसी मरीज के भी अस्पताल में नहीं हुई है, हमारे अस्पताल में।